आज मैं आपको एक मेरे लिए तो ये नया है, तो मैं जिनको पता है उनके लिए पुराना होगा, जो मेरे जैसे हैं उनके लिए ये नया ही तजुर्बा है। ठीक है, ये एक विंडो एसी था, उसके अंदर से मैंने ये हीटर निकाला। ठीक है, तो एक तो हीटर लगा होता है, एक्सपेंशन कोयल वाला हीटर लगा होता है, एक्सपेंशन वाल वाला, जो गैस से मतलब हीटर कूल करता है। ये विंडो एसी होते हैं बाज़, उनके अंदर ये इलेक्ट्रिक हीटर लगा होता है। इसके अंदर ये एक ओवरलोड है, इसको ये मेन सप्लाई और ये एक कॉमन लगी है। ठीक है, और ये दो रेजिस्टेंस लगी हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर कोई और डिवाइस नहीं है। ये देखें, ये ओवरलोड ओवरलोड ले है। ठीक है, इसकी ये लगी है। इसका फंक्शन ये है जी, कोई भी चीज़ जो है ना कंपनी लगाई हुई, वो मतलब के फजूल नहीं होती। इसका फंक्शन ये है, ये जब चलता है ना, मतलब के बगैर एयर के, अभी ये चलाएं, इसको ऑन करेंगे, ये 16-17 एम्पीयर से ये शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद जब इसको हवा हवा लगेगी तो ये आगे करंट देगा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लगी है ना, ये दो, अगर इसको हवा लगेगी तो ये आगे करंट लेगा, लोड लेगा, नहीं तो ये करंट को ब्लॉक कर देंगी। तो बाज़ टेक्नीशियन होते हैं कि जब हीटर ख़राब होता है, ये ख़राब होती हैं, वो इधर से निकाल के इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो एसी अगर बाज़ का, तो एसी की विंडो, एसी की मोटर ख़राब होती है तो हीटर चलता रहेगा और उसके अंदर जो है ना आग लग जानी है। ठीक है, एसी को आग लगनी है तो वो तो लगनी है, तो बाकी जो है ये जो घर और नुकसान होना वो अलग बात है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस कंट्रोल नहीं लगा हुआ, और कोई भी, ये इसकी वायर है। ठीक है, ये मैंने वायर इसके साथ कनेक्ट की है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये अभी एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये एम्पेयर मीटर है जी, ये मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये देखिए करंट, ये 26 एम्पेयर से शुरू हुआ है और देखिए कितनी जल्दी ये डाउन हो रहा है। ठीक है, ये देखें, 26 26 से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पे है, 5 4, ये देखें कितनी जल्दी डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि इसको एयर अभी नहीं मिल रही। ठीक है जी, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक कंट्रोल डिवाइस नहीं है। ये 1 एम्पेयर डेढ़ मतलब 1 पॉइंट पे आके ये बंद हो जाएगा, 1.2 पे करंट जो है इसका ब्लॉक हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है। अभी मैं इसको, अभी ये हमारे पास कूलर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये पोर्टेबल एसी है, इसको मैं ऑन करूँगा। ये देखें, इसके अंदर मिट्टी थी, ये धुआं निकल रहा है, ये चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसको ऑन करूँगा, हवा के आगे करूँगा, फिर आप इसकी देखना परफॉर्मेंस। ये पोर्टेबल एसी है, इसका मैं सिर्फ ब्लोअर ऑन करता हूँ। ठीक है, और इसको बड़ी एहतियात से, इसको ये फाइबर की शीट लगी है, मैं तो वहीं वहीं से पकड़ रहा हूँ। ये देखें, मैंने हवा के सामने कर दिया। ठीक है, इसको हवा के सामने किया हुआ है, और इसके अब एम्पेयर भी देखें, ये देखें एम्पेयर बढ़ना शुरू हो गए, ये देखें एम्पेयर बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है जी, चार एम्पेयर पे ये स्टक हुआ हुआ, चार एम्पेयर ले रहा है। कहने का मतलब है कि इसको हवा जा रही है तो ये करंट इसके अंदर से पास हो रहा है, अगर हवा नहीं जाएगी तो करंट इसके अंदर से पास नहीं होगा। इसको मैं साइड पे करता हूँ, ये देखें मैंने साइड पे कर लिया, ये देखें एम्पेयर डाउन होने लगे। अभी जो हमारे टेक्नीशियन है ना, कस्टमर की मतलब के सेफ्टी के लिए यही है मशवरा कि ये जो है ना हमारा, ये जो रेजिस्टेंस लगी है, इसको डायरेक्ट कभी नहीं करना। हमारा तो है कि हम तो पैसे ले लेंगे, मैं इसको बंद कर दूं। ये देखें, अभी यह एक साइड पे रख दिया है, 1.4 पे आ गया, हम तो पैसे ले लेंगे, और ये जो आगे कस्टमर का नुकसान होगा तो वो बहुत मुश्किल है। जो सेफ्टी लगी ही है तो उसको लगी रहने देना। ये जी एक नया तजर्बा था मेरे लिए, और आपके लिए है कि नहीं है, मैंने कहा शेयर कर दूँ आपके साथ। पास कर।